नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24x7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल। लिवित विशलपुर के मोहल्ला दुबे निवासी शिवदयाल पुत्र सुंदरलाल की उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने डॉक्टर सुरेंद्र के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने का लगाया आरोप। पीलीभीत बिसलपुर के मोहल्ला दुबे निवासी शिवदयाल पुत्र सुंदरलाल की उपचार के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने डॉक्टर सुरेंद्र के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर सुरेंद्र से कई बार पूछने पर हालत ठीक नहीं है तो हम कहीं और जाएं, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र ने कहीं भी जाने से मना कर दिया और मृतक शिवदयाल के लगातार 4 इंजेक्शन लगा दिए। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही मृतक शिवदयाल ठंडा पड़ गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर मृतक की मां चंपा देवी जवान बेटी की मौत देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंचे और मृतक परिवार को ढांढस बंधाया और मृतक की मां को अपनी गाड़ी से पहुंचाया। शिवदयाल की उम्र मात्र 45 वर्षीय थी। परिजनों का कहना है कि मृतक को मामूली दर्द होने पर ही डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। फिलहाल डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है और मृतक शिवदयाल को पोस्टमार्टम के लिए पीलीभीत भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आएगी। परिजनों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। ब्यूरो ये हमारे चाचा जी हैं, तो इनका नाम शिवदयाल है जो मोहल्ला दुबे की निवासी। इनके पिताजी का नाम सुंदरलाल है। और दरअसल ऐसा था ना कि डॉक्टर ये मतलब सही सलामत आए थे डॉक्टर के पास, लेकिन आते समय डॉक्टर साहब ने पूरी तरह देखा नहीं और जहरीला या जैसे किस टाइप का इंजेक्शन लगाया, तुरंत के तुरंत उन्होंने दम तोड़ दिया। ये डॉक्टर की गलती है, सरासर डॉक्टर की गलती है। इस पे कानूनन सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई, डायल 100 पर एक अलर्ट प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता के यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तब मौके पर पहुंचे तो बताया गया कि एक मरीज आया था जिसका नाम था शिवदयाल सनक सुंदरलाल, जो यही कस्बे के मोहल्ला दुबे के रहने वाले थे। उनके उपचार के लिए बताया गया कि पेट में उनके कुछ दर्द वगैरह था, उसका उपचार किया गया। उसी उपचार के दौरान जो है उनको कुछ दिक्कत हो गई, उसी को लेकर उपद्रव हुआ। फिर उनको जिला जो CSC है उस पर लाया गया, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। उनके परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है, बॉडी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजी जाएगी और तहरीर के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।